वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम आरकॉम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात किया तो 2525 पे क्लोजिंग डे तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक आज के दिन में, यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 2.65 आज ओपन हुआ था यहाँ पे 2.70 गैप अप से ऊपर ओपन हुआ। ओपन होते ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन 270 पे ओपन हुआ था, ओपन रेंज जैसे ही हुआ तो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी और लो है आज का 2.60 का। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लेवल के बीच में ज़्यादा का ट्रेडिंग हो चुकी है। आज 2.60 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेवल जो है 2.65 की थी। ओपन यहाँ पे 2.70 पे हुआ, वहीं पे ओपन था यहाँ पे सुबह सुबह में, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट कैप पे 710 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। यहाँ पे पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 8.62% की गिरावट देखने को मिली और लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख रहे कैसे मूवमेंट रह चुके हैं। चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए आरकॉम के, तो आरकॉम स्टॉक ने यहाँ पे पिछले 2 दिनों से बहुत से गिरावट देखने को मिले क्योंकि बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है आरकॉम स्टॉक में। तो आरकॉम स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते नीचे 2.20 के नीचे चला गया था, यानी कि 2.20 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, एक अच्छा बाउंस बैक किया था यहाँ पे आरकॉम शेयर ने। फिर से रिसेंटली देखा जाए तो आरकॉम शेयर में फिर से गिरावट हो चुकी है। जो मंथली सपोर्ट वन है 2.55, तो वहाँ पे जा सकता है, वहीं पे सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर से 2.20 तक जा सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।